बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड स्टिच एक्सपर्ट में खुशामदीद। आज मैं आपके सामने ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने ऊपर से ट्राउज़र को मुकम्मल तैयार कर लिया है। अब हम टोटल लेंथ इसकी मैंने 28 इंच पे ये निशान लगा लिया प्रेस से। यहाँ पे मैं 28 इंच पे इसकी सबसे पहले लेस अटैच करूँगी। इसका हम सीढ़ी लैस और शटल लैस से ट्राउजर डिजाइन जो है ये बनाएंगे। ये देखें, जो मैंने प्रेस से निशान लगाया था मैं उसके ऊपर ये लैस लगाऊंगी। लैस को हम खींच के नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएंगे ताकि वो फिर कपड़े में खिंचाव आ जाए। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही लैस लगा लेंगे। ये इस पे भी मैंने निशान लगाया हुआ है। इस तरह से हमने दोनों साइडों पे लैस अटैच कर ली। एक्स्ट्रा लैस को हम काट देंगे। अब हमें इसके साथ ही, मैं इस लैस को पक्का करके फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। इसके ऊपर हम यहाँ सिलाई लगा के ताकि ये लैस अच्छे से बैठ जाए। लैस को मैंने पक्का कर दिया। अब यहाँ से तकरीबन लैस से आगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम बारीक पिनटेक्स डालेंगे। किनारे की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे ही लगा लूंगी सिलाई। एक एक सिलाई मैंने दोनों साइडों पे लगा ली है। ये मुझे दो दो सिलाइयां चाहिए, दो दो पिनटेक्स चाहिए। दूसरी भी इसी तरीके से थोड़े से गैप के साथ मैं दूसरी लगा लूंगी। से हम दूसरी साइड से भी सेकंड डाल लेते हैं। सेकंड सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ये मैं सिलाई लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सिलाई के बाद मैंने दो बारीक पिनटेक्स डाली। अभी तो ये आपको इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही, लेकिन जब मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। अब हम दोनों को बराबर करते हुए यहाँ पे हम सीढ़ी लैस अटैच करेंगे बीच में, जिसके लिए हमें कट लगाना होगा। ये देखें, ये एक इंच और दो सूत का मार्जिन रखते हुए मैंने निशान लगा लिए हैं। ये देखें, जो मेरी सिलाई लगी हुई है उससे एक इंच दो सूत का निशान लगा लिया है मैंने। अब यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैं कर लिया। यहाँ पे हम करेंगे सीढ़ी लैस अटैच।
थोड़ी लेस के किनारे पे सिलाई लगाएंगे ताकि जो है सफाई से हमारी लेस जो है अटैच हो जाए। ये देखिए सेकंड पे भी मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। आप हमने जो पीस इसका कट किया था उसको साथ अटैच करके थोड़ी लेस की लगा लेंगे। दूसरे के साथ भी हम इसी तरह जो पीस कट किया हुआ है उसको दरमियान में रखते हुए दरमियान से बराबर करते हुए यहाँ से बराबर रखते हुए हम इसको भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम जिस तरह ये दो पिनटेक्स मैंने इधर डाले हैं यही दो पिनटेक्स मैं इधर भी डालूंगी और फिर नीचे हम लेस लगाएंगे। चलें जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दो पिनटेक्स डाल लेते हैं, इतना ही गैप हमें नीचे भी रख के बारीक साइड की किनारे की सिलाई से पिनटेक्स डालना है। दूसरी भी सिलाई हम जिस तरह हमने पहले लगाई है इसी तरह इतने ही गैप रखते हुए दूसरी पिनटेक्स भी डाल लेंगे। इस साइड पे भी हम दूसरी पिनटेक्स डाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स ये डिजाइन कुछ इस तरह से बना है मेरा। इसके जो मैंने नीचे से मोड़ना था वो मैंने मोड़ लिया है और इस हिसाब से मोड़ा है ताकि जो मैं इसके नीचे ये लेस लगाऊंगी तो ये मेरी लेस के नीचे इसकी सिलाई आ जाए वो नजर ना आए, क्योंकि सिलाई जब अलग से नजर आएगी तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैंने लेस लगानी है लेस से सिलाई होती तो वो बुरी लगती। अब मैं इसके एंड पे यूं लेस लगा दूंगी। दूसरी साइड पे भी मैं लेस लगा दूंगी। ये देखें ये मेरा डिजाइन कुछ इस तरह से बना है। मैं अब इसकी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स ये मेरा ट्राउजर तैयार हो चुका है। तो देखें ये नहायत ही सिंपल और आसान तरीका है बनाने का। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।